हेलो बच्चों, आज मैं आपके बहुत कॉमन टॉपिक को पढ़ाने जा रही हूँ. व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन. सो दिस इज समथिंग वेयर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट पजल्ड. दे गेट कंफ्यूज्ड दैट हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड दिस इज द रीजन दे डोंट लाइक केमिस्ट्री. बट टुडे आई विल एक्सप्लेन यू इन अ मोस्ट सिंप्लीफाइड मैनर सो दैट यू विल नेवर गेट कंफ्यूज्ड एनीमोर. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है जब हम दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स को कंबाइन करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनता है बिकॉज ऑफ सम रिएक्शंस टेकिंग प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी और लाइट. देन वी से दैट इट इज अ केमिकल रिएक्शन. जब हम पानी में सॉल्ट या शुगर मिलाते हैं, व्हाई डोंट वी से इट इज अ केमिकल रिएक्शन? द रीजन इज ना हमने हीटिंग किया, ना हमने इलेक्ट्रिसिटी दिया, ना हमने कोई भी और एनर्जी पास की. एंड देयर इज नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म्ड. हमने पानी में सॉल्ट मिलाया और वो एक मिक्सचर बन के रेडी हो गया. वेयर वी नो दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वाटर एज वेल, वी नो वी कैन यू नो रियलाइज द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट और शुगर एज वेल. पर जब कोई दो एलिमेंट्स या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी और हीट, then we see a totally new compound has formed with totally new properties and then we say that it is a chemical reaction taking place. Kuch to ho raha hai chemically. For example, in the first one we can see I have written Na plus Cl2 which gives us NaCl. That means sodium. Sodium kya hai? Sodium ek metal hai jo ki bada soft metal hai और बहुत ही रिएक्टिव मेटल है जिसकी वजह से हम इसे केरोसिन में रखते हैं. और क्लोरीन एक ग्रीनिश येलो गैस है जो कि पॉइजनस गैस है. जब हम इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो हमें न्यू प्रोडक्ट मिलता है विच इज सोडियम क्लोराइड. ना सोडियम क्लोराइड एक नई प्रोडक्ट है. कैसे पता? क्योंकि ना तो ये रिएक्टिव है सोडियम की तरफ, ना तो ये पॉइजनस है क्लोरीन की तरह, ना ही इसका कलर मैच करता है. So totally a new substance formed and we say this is a chemical reaction. Number two में हमने hydrogen and oxygen को react करवाया in the presence of electricity और हमें मिला water droplets. So why this is also a chemical reaction? क्योंकि hydrogen की property क्या है बच्चों? Hydrogen की property ये है कि hydrogen burns with a pop sound. अगर आप जलता हुआ कोई भी matchstick if you'll introduce in the presence of hydrogen jar, you will hear a pop sound. जो कि हाइड्रोजन के बर्निंग का प्रूफ देता है. एंड ऑक्सीजन, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग. हमें पता है कि कोई भी चीज हमारे जो एनवायरमेंट में जल जाती है और फिर बहुत बड़े रूप में जल जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग. पर जब हम पानी की बात करते हैं, वी नो पानी तो ना जलता है ना जलने में सपोर्ट करता है. सो इट इज अ टोटली अ न्यू प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म. तो ये हमारे हीट में हो गए, इनफैक्ट ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी में हो गया, ये हमारा जनरली हो गया सोडियम प्लस क्लोरीन सोडियम क्लोराइड. देयर इज नो हीट रिक्वायर्ड एज वेल. और हम अगर सनलाइट की बात करें तो हम जानते हैं प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विच इज अ केमिकल रिएक्शन, जिससे कि हमें ग्लूकोज जो कि फूड है वो प्लांट प्रोड्यूस करता है. सो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो रिएक्शन जिसमें केमिकली दो चीजें मिलती है और एक नए प्रोडक्ट को बनाता है. I hope now it is clear. Now we'll come to balancing the chemical equation. Chemical equation को balance कैसे करते हैं? जब हम sodium और पानी को react कराए, Na plus H2O, we got NaOH plus H2. अब जब हम इन दोनों को react करा रहे हैं तो हम जानते हैं कि ये equation balance बिल्कुल भी नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा एक sodium, यहाँ एक sodium, that is balance. एक oxygen, balance. But now what about hydrogen? यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो प्लस एक तीन हाइड्रोजन है. सो वी हैव थ्री हाइड्रोजन एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड, व्हेयरएज वी हैव टू हाइड्रोजन एटम इन द रिएक्टेंट साइड. दैट मींस द इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन इज नॉट बैलेंस. सो हाउ वी विल बैलेंस इट? फर्स्ट विल मेक हाइड्रोजन, हियर विल पुट टू. नाउ कितने हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे हमारे? टू प्लस टू फोर, फोर हाइड्रोजन हो गए हमारे प्रोडक्ट साइड में. और रिएक्टेंट साइड में हमें टू ऐड करना होगा, देन फोर हाइड्रोजन हो गया हमारे रिएक्टेंट साइड में. वेरी गुड. नाउ द हाइड्रोजन इज बैलेंस. नाउ हमारे पास दो ऑक्सीजन हो गए और दो ऑक्सीजन हो गए. वेरी गुड, दैट इज ऑल्सो बैलेंस. नाउ पर हमारे टू ऐड करने की वजह से हमारे पास सोडियम भी दो हो गए, तो
तो हम यहाँ पे सोडियम में भी 2 ऐड कर देंगे और अब हम देखेंगे हमारा टोटल बैलेंस हो गया, 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन एंड 4 हाइड्रोजन। एक रूल हमेशा याद रखना बच्चों, जब हम केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते हैं तो नीचे की तरफ कभी भी नंबर्स ऐड नहीं करते हैं, हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स ऐड करते हैं, राइट। और अगर 2 और 3 प्रोडक्ट हैं और उनके आप ऐड कर रहे हो एटम्स तो यू विल प्लस, पर जब हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल में हमारे पास यहाँ ये नंबर है यहाँ एक नंबर है तो हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने 2 × 2 4 हाइड्रोजन काउंट किया और यहाँ पे 2 + 2 4 हाइड्रोजन काउंट किया। Now let's come back to the, let's go back to the new reaction, that is ammonia plus oxygen which is nitric oxide plus water. अब हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, वेरी गुड। ऑक्सीजन हमारी फिर बैलेंस है 2, अगेन द प्रॉब्लम लाइज इन हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, हम यहाँ पे 4NH3 करते हैं। नाउ 4NH3 जब हम करते हैं तो हमारे पास 4 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हो जाता है यहाँ पे 4 × 3 12, तो 4 नाइट्रोजन की वजह से हम यहाँ 4 ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 नाइट्रेट ऑक्साइड। अब हाइड्रोजन हमारे कितना हो गया वहां 12 और यहाँ कितना है 2, तो इसे ऐड कर दिया हमने 6 × 2 12 हाइड्रोजन, तो हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब क्या बचा हमारे पास ऑक्सीजन, सो यहाँ 4 ऑक्सीजन + 6 ऑक्सीजन दैट इज 10 ऑक्सीजन, तो हम ऑक्सीजन में कितना यहाँ ऐड करेंगे, दिस विल बी 5 × 2 10। इस तरह से हम देखेंगे हमारे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों ही बैलेंस हो जाता है। तो ये हो गया हमारे केमिकल रिएक्शन, ये हो गया बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।